नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे म्युनिसिपल टैक्स जैसे कि वाटर बिल, प्रॉपर्टी टैक्स को कैसे अपने फोन पे के द्वारा भरेंगे घर बैठे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप म्युनिसिपल टैक्स जैसे वाटर बिल, प्रॉपर्टी टैक्स को पेटीएम से कैसे भरेंगे, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पे ज़रूर लाइक करें, और कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट में बिल्कुल आप पूछें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फोन पे को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फोन पे को ओपन कर लिया है, और जैसे आप फोन पे को ओपन करते हैं तो आपसे सिक्योरिटी यहाँ मांगा जाता है, तो आप जो भी पिन लगाए हैं उसको डाल देना है। इसके बाद फोन पे आपका ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिचार्ज एंड पे बिल्स, और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा सी ऑल, आप देख सकते हैं सी ऑल। तो सी ऑल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं वाटर, इस पर आपको क्लिक नहीं करने हैं। आपको नीचे की तरफ आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंस सर्विसेज एंड टैक्सेस। इस पर आपको जैसे आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा म्युनिसिपल टैक्स। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देने हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे कि मैं आपको भोपाल का सर्च करके बता रहा हूँ, तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है भोपाल। जैसे आप भोपाल लिखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भोपाल, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देन आपको प्रॉपर्टी आईडी यहाँ पे डालना है। अगर आप प्रॉपर्टी आईडी भूल चुके हैं तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप उस वीडियो को देखकर प्रॉपर्टी आईडी को सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहां पे प्रॉपर्टी आईडी को डाल देता हूं। तो मैं यहां पे प्रॉपर्टी आईडी को डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद कन्फर्म के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा जो भी टैक्सेस हमारे लग रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे वाटर टैक्स देखने को मिल गया, और यहाँ पे हमें जो भी जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है वो देखने को मिल गया। इस प्रकार टोटल ड्यूज जो है वो 3226 है। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी टैक्स को भर सकते हैं। भरने के लिए सिंपली आपको नीचे देखने को मिलेगा प्रोसीड टू पे, इस पे आपको क्लिक करना होगा। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से पे का ऑप्शन एक देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। इस पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है और पे कर देना है। पे जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे UPID पिन जो है वो मांगा जाता है, और यहाँ से आप पे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जितना भी अमाउंट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे दोनों ऐड है। जैसे वाटर बिल आपका जो भी ड्यूज़ है वो यहाँ पे
इसके बाद आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, जिसमें आपका जो कचरे की गाड़ी आती है कचरे ले जाने के लिए, उसका भी 360 रुपीज लग रहा है और प्रॉपर्टी टैक्स 250 रुपीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, ये लग रहा है। तो इस प्रकार से टोटल जो ड्यूज हो रहा है, ये ड्यूज जो है ये 1 ईयर का है, 3,226 रुपीज। तो इस प्रकार से आप पे कर सकते हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो भी टैक्सेस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।